ये देखें जी, मान सेवा क्या बना रही हैं, माय स्वीट फैमिली। ईमान, ये माए जो है ना, येलो लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ना वो डार्क नहीं कलर करना हो है। सकता ये। नहीं, इस पे मेरी बात सुनो, ग्रीन कलर कर दो कैसे करूँ? इसके ऊपर ही, मिक्स हो जाएगा। तो कोई और कलर निकल, येलो और ग्रीन करके मुझे लगता है ब्लू निकलता है। कौन सा कलर निकलता है, तो ट्राई ब्लू करके ब्लू हो देखो जाएगा ना। ध्यान से भाई, गिर ना जाए। हेलो, ये मेरे पास है। उफ, इतनी क्यूट बिल्ली नजर आई हमें, वो दिखे जा रही है। है? हाँ, वो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और आज है जी संडे, और मेरी औलाद जो है ना माशाल्लाह, एक गया है, उसके पेपर्स हो रहे हैं, वो ट्यूशन गया हुआ है, और जो दूसरी है ना मैडम, वो ऑयलिंग करवा के पेंट शेंट कर रही है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जो एक तीसरी किस्त है ना हमारी, वो फड्डे लगा रही है अपने बाबा के साथ, उसको भी मैं दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। चलिए आए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेटी क्या कर रही है आज। ये देखें जी, मान साहबा क्या बना रही हैं, माय स्वीट फैमिली। ईमान, ये माए जो है ना, येलो लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ना वो डार्क तो कलर नहीं करना हो है। सकता नहीं, ये। इस पे मेरी बात सुनो, ग्रीन कलर कर दो कैसे करूँ? इसके ऊपर ही, मिक्स हो जाएगा। तो कोई और कलर निकल, येलो और ग्रीन करके मुझे लगता है ब्लू निकलता है। कौन सा कलर निकलता है, तो ट्राई ब्लू करके ब्लू हो देखो। जाएगा ना। चलो देखते हैं, फिर हम करते हैं इसको, थोड़ा सा कोशिश करते हैं क्या करना है। तो एक आपने ना कैनवस बनाना है, वो उसका होम स्वीट होम का, ठीक है? क्यों क्यों नहीं हाँ, मैं बनाना? कैनवस ही ये लेती हूँ। ईमान का जूड़ा मैं दिखाती हूँ आपको, जरा ईमान का जूड़ा चेक करें। वाह जी वाह, कितना क्यूट जूड़ा है, छोटा सा। ईमान घंटा होने वाला, आपने शावर लेना है। ये हैदर ने पंगे लिए थे इधर, ईमान ने एक और बनाया था कैनवस। तो जो हैदर साहब है ना, वो कलरिंग कर कुर के, काम खराब करके, सारी चीजें सेटिंग करके, अब अब्बा जी के साथ बैठ गया रुस के। ये नाराज बैठा हुआ है, पड़ोला बन के बैठा है। बाबा का बाइल लेना, मम्मा का नहीं लेना। बाबा के बाइल में पता नहीं क्या इसकी चीजें पड़ी हुई है, हर चीज बाबा की ना। बाबा को सोने देता है, बाबा का ही बेबी है जी ये बच्चा। और फीडर ना भी ना, अच्छा सुबह का पड़ा हुआ है बेटे, लाला साहब ट्यूशन गए हुए, उनके पेपर्स हो रहे हैं। मैंने कहा ना भी ना, वही काम शुरू कर रहे हो आप। आपने भी शावर लेना जनाबी वाली, ठीक है? हैदर, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, इस पे ना करना, सॉरी। मैं उसे देख रही हाँ, हूँ। होगा ऐसे होगा। अच्छा अब इसको धो, वीडियो बन रही थी पहले। अच्छा अब ब्रश को साफ करो ना, फिर ग्रीन कलर करके देखते हैं, चेक करते हैं। मैंने पानी तो साफ ले आओ, गंदा पानी है। ये देखें जी, इसने सारा गंदा पानी रखा हुआ है। चले अब हम इस पे करते हैं ट्राई। वैसे तो ईमान आपको खुद करनी चाहिए थी, जो मम्मा कर रही हैं। नहीं ना, नहीं ग्रीन कलर डार्क वाला कौन सा है? डार्क ही अच्छा। डार्क वाला इधर रखो, इधर लगाओ। नहीं मम्मा, यहाँ आप पर करो तो सही ना। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी वो मिक्स हो जाएगा, वो नहीं होता बेटे, नहीं होता। यहाँ पे रख दो बस ग्रीन। हाँ बस बस, मैं जो करूँ चीज़ ना पता चले मेरा बेटा पूछ मैं लेते होते करूँ हैं। हाँ करो, आप करो। तो मैं आपको ही कह रही हूँ, आप बात नहीं मान रही हो मेरी। थक गई हो तो चेयर लेके बैठ जाती ना, इस साइड पे आ जाओ। यहाँ पे भाई की चीजें उठा दो ना। जी, मोटा ही ब्रश है ये तो, मोटे ब्रश तो आपने, वो भी तो वो चौड़ा चौड़ा ही लिखा हुआ है। मैंने इससे ही तो किया। किससे? इस वाले से। ये लो, ये ले लो, इसमें क्या इतनी टेंशन वाली बात है, पकड़ो। अब अल्लाह ही खैर करे, आज बन जाए हमारा कैनवास तो अच्छी बात है। यहाँ से लगा रहे हैं आंटी। मम्मा जाया नहीं करते कलर। अच्छा आज जड़े बाकी तुसी गंद मारे, जाया नहीं हुए? नहीं, वो मुझे पता नहीं था ना। करो तो देखा, हो तो रहा है, उसके ऊपर ऊपर करो अच्छा सा। ज्यादा इसको ना मोटाई में नहीं लेके जाओ ना। ये ब्राइट कलर होते हैं, वो नजर भी आते हैं फिर। और फिर वो हार्ट भी बनाया हुआ है विंगा चिब्बा सा, जो मैंने उसमें भी कलर्स करना है, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। देखा, अगर किसी चीज का ना पता चले पूछ लेते थे, मम्मा इसमें कौन सा कलर करना, बाबा बैठे हुए उनसे मोमेंट है भाई, मोमेंट है। पूछ लेती
चलो वेरी गुड, ये अब नज़र आएगा ना, ये पहले ईमान को ट्रेस करके दिया था मैंने। चलो शाबाश, अब बाबा को दिखाओ। ये एस भी ना विंगा चिपा किया हुआ है, इसको सीधा करो, टेढ़ा मेढ़ा हुआ हुआ है बाबा जी। ये चेक करें, अच्छा अच्छा चेक करें इसका, अब नजर आ रहा है ना। चले भैया मैं जा रही हूँ अपने बेटे के साथ वॉशरूम, थोड़ा सा इसको काम पड़ा। तो जल्दी में हमें ना व्लॉग जो है ना अभी यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, तो मैं अभी बाद में मिलते हैं, ठीक है भाई। मान साहबा ने कंप्लीट कर लिया है, और ज़्यादा उसने ना, मैंने उसको कहा था कोई गंद शंद ना करना, लेकिन ये नीचे जो हार्ट है ना वो थोड़ा सा बड़ा बन गया, ऊपर वाला ठीक है। चलें कोई नहीं, अभी स्टार्ट है, ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी। तो अभी एक और मैंने इसको कहा है, इनके ना अली के और इसके मैं कैनवस दिखाऊंगी आप लोगों को, कि इन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे बनाए थे, तो वो मैं सारे रख के ना वो मैं आज दिखाती हूँ आपको कैसे हैं। वाह जी वाह, शाबाश शाबाश, काम करके बाद में उसको ठीक भी करते होते हैं मेरी प्यारी बेटी। अब शावर ले लेना, पूरा घंटा हो गया ऑयल लगे हुए, ठीक है। ब्रश को ना साबुन से धो के रख देना, फिर भी काम आता है। ये हमारी जी कंगिया शंगिया कंगे की छंगे ब्रशेज वगैरह, हेयर ब्रश वगैरह साफ़ करने के लिए होता है ना। चलो ठीक है, करो साफ। ईमान साहबा ने अपना ड्रेस निकाल के रखा है, ईमान को ऐसे प्लाजो जो होते हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं, तो अभी शावर लेने लगी थी। और जो ये शर्ट है ना, ये इसकी फेवरेट शर्ट है, आए दिन इसने यही पहनी होती है, है सॉफ्ट है, ये विस्कोस लीलन है इसका ना फैब्रिक जो है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये मैं बना लूँ वीडियो, फिर आप मोबाइल ले लेना और लाला वो टीवी ले लेना, लाला मोबाइल ले लेंगे, ठीक है। अब क्या, पहले कह रहे थे मैंने गेम खेलनी है। चलो मैं बच्चों के ना कैनवस दिखाती हूँ आपको। ये कैसे ऐसे करना था, ये इनको जोड़ के सारों को। ईमान साहब खाना खाने लग गई हैं, ये एक ईमान ने बनाया होता है, एक अली ने बनाई है चीज़। तो हाँ लिख लेते हैं, ये हमारा टेबल भी छोटा है इसलिए ना मैं ऊपर नीचे ही रखी जा रही हूँ चीज़ें, ये इधर रखते हैं। ये ईमान ने अभी बनाया है, और एक ये वाला इनका, ये तो हैदर ने सारा खराब कर दिया है। ये लाला आपने ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है ग्रीन पे, अली इधर आना है, बात सुनो। खाना खा रहे हो अभी, लाला ट्यूशन से वापस आ गए। ये क्या है, ये क्या लिखा है, चलो भाई फोजो। ये सारी उसकी चीज़ें बेटे इसके अंदर थी हैदर की। भाई हैदर साहब जो है ना वो बाहर खेलने जा रहे हैं, और हम चारों तीनों जो है ना इसको खिलाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सारा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है। अभी भी बाबा का मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था, तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ आती हूँ बाहर। वैसे तो इस टाइम पार्क का भी हो सकता है, मां पार्क तो आप साइकिलिंग कर लो थोड़ी देर, तो साइकिल नहीं पार्क, साइकिल वो गाड़ी पाओ उधर लेके जानी है पार्क। ठीक है चलो चलते हैं, थोड़ी देर खेल लेते हैं फिर पार्क चलते हैं। मैं साइकिल चला, साइकिल चला हैदर, गाड़ी रख दो, हम पार्क चलते हैं, पार्क जाना, बॉल लेके चलते हैं। नहीं नहीं बॉल लेके कह रहा, बॉल चलो चलते हैं, ठीक है। देखो काफ़ी रश है, और हमें झूले झूले कोई नहीं मिलने। ईमान हैदर वैसे ही फुटबॉल वगैरह खेल ले, फिर चलते हैं। मेरे लिए तो बहुत सारा कुछ है।
आपके लिए क्या कुछ है? तो भाई के साथ कौन खेलेगा? आ जाओ चलो। वुफ मेरे पास, आपने गिरा दी थी ना जी। ईमान बेटे उधर वो बच्चे हैं, आप कैसे जाओगी उधर मंकी बार पे? बारी बारी ले लेना ना। काफी अब हम आए, काफी देर बाद आए हैं ना पार्क। घास काफी हो गया है ना, बारिशें वगैरह हुई हैं। जैनब, अच्छा ये जी हैदर साहब है और ये जैनब है, ये हमारा हैदर है और ये ईमान है। जैनब हमारी कजन है, चाचू की बेटी है इसकी, ईमान। अच्छा सही है, बच्चे कह रहे हैं कि आप लोग झूले ले ले, हम उधर जा रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोग भी ले लो अभी ना थोड़ी देर। हैदर ने झूला लेना है, सीसा लेना है यहाँ पे। चलो आपा बिठाती हैं आपको, ठीक है? ईमान भाई को तो बिठाओ, फुटबॉल मुझे पकड़ा दो, मुझे पकड़ाओ, इसको बिठाओ पहले फिर आ बैठना। भाई को पहले बिठाओ, नीचे करो ना, नीचे कर दो, माशाल्लाह पकड़ के बैठना अच्छी तरह से, वेरी गुड। जैनब देख लो, चाचू की बेटी जैनब नईम के। हैदर ज़रा चीखे नहीं मारता, आप बहुत चीखे मारते हो। आराम से ईमान, ईमान आराम से। ईमान मैं कह रही हूँ भाई गिर ना जाए, हैदर पकड़ के रखो जोर से, अच्छा अच्छी तरह पकड़ के रखना मेरा बेटा, गिरना जाना आराम से भाई, स्लिप ना हो जाए ईमान। भाई आज इतवार है और बच्चों सारों को छुट्टी है, तो काफ़ी रश है, वैसे भी इस टाइम काफ़ी रश होता है पार्क में। तो ईमान साहब को स्विंग नज़र आ गई थी, खाली है वो, तो मुझे लगता है वो रस्सी से जोड़ी हुई है, टूटी हुई नहीं है। आओ देखें, ये रस्सी से जोड़ी हुई है, मुझे लगता है ये काफ़ी बड़े बड़े लड़के आके बैठ जाते हैं इस पे तो वो टूट जाती है फिर। ये दो दफा इन्होंने जोड़ी है, वो देखो अरे ईमान रस्सी से जोड़ी हुई है। अरे पीछे करो भाई को, पीछे ईमान भाई को पीछे करो, वो दे जब ऐसे झूले लेते हैं ना तब टूटती हैं ये चेन वगैरह। हमें दोगे थोड़ी देर कोई बच्चा, झूला दोगे कोई? कोई भी नहीं सुन रहा, ये सारे इधर मेरा आबादी से आते हैं बच्चे और कब्जा जमा लेते हैं इन पे आगे झूलों पे। पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं पश्तो में है। ये ईमान वो बहुत, वो देखो पानी है उधर, रहने दो, चले घर, बहुत रश है बेटे आज, वैसे भी मगरिब होने वाली है और इस टाइम काफी रश होता है क्या, भी नहीं बहुत रश है, चलो चले कल आएंगे कल। हैदर कल आएंगे बेटे, वो नहीं मानने वाला मम्मा, उसको पता चल गया आज हम आए, अब उसने स्लाइड लेनी है बस। चलो उस साइड से चलो ना, सीढ़ियों से चलो। ईमान इसको लेके चलो आप स्लाइड लाओ भाई को, क्यों इसको उधर से तो लेके One hour later. चलें जी अब हम जा रहे हैं घर वापस, और हैदर साहब जो है ना उसको थोड़ा सा मैंने कायल किया है कि कल आएंगे क्योंकि काफ़ी रश है, और ईमान के एक्शन चेक करें पीछे। जी जी ये हैदर साहब इधर खड़े हैं और जिद कर रहे हैं कि अभी भी मैंने बॉल के साथ खेलना है। किसके साथ खेलोगे? मान के साथ। चलो हम अपनी रोड पे जा खेलते हैं, ठीक है? चलो चलें चलो। इतनी क्यूट बिल्ली नज़र आई हमें, वो दिखे जा रही है,
है। हाँ वो उनकी है, मुझे लगता है उन्होंने ना वो चेन डाली हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है इसका? स्नोई है। वाह कहाँ पर रहती हैं आप? इधर ही। अच्छा माशाल्लाह, कुछ कहती तो नहीं है? बिल्ला है। अच्छा वो यू भाई भाग गया भाग गया, वो कभी बाहर नहीं निकला होगा ऐसे, है ना? निकलते हैं लोगों में डर जाते। हाँ रश भी है ना आज, गैदरिंग है काफ़ी संडे करके। इसकी कटिंग वगैरह की हुई है? अच्छा सही है, मछला प्यारा है। वो डर रहा है इतना। बाबा भी ऐसे ही कह रहे थे ना कि मैं बेल्ट ला दूंगा। क्या डॉगी आ गया? क्या है वो? ये तो मुर्गा है, वो पीछे बढ़ जाएगा आपके? नहीं बढ़ता। चलो आओ आपको एक व्यू चेक करवाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, और जब बारिश हुई होती है तब तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये सामने का मंज़र, ये सामने वो जो है ना पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और है पहाड़ क्या, अभी तो वो ना सूरज का शेड पड़ रहा है ना, मगरिब होने वाली है तो नज़र नहीं आ रहे। मैं खड़ी होकर दिखाती हूँ, चलते हुए तो नज़र ही नहीं आ रहे, वाकई नहीं नज़र आ रहे। वो दरख्तों के पीछे हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं लेकिन कैमरे में नहीं आ रहे। मेरे साथ थे ना बच्चे दो अदद, ये इधर आके छुप गए क्योंकि उधर मुर्गा था और मुर्गे से डर रहे थे। ओहो मैं तो डर गई, बहुत डर गई मैं। मैं तो डर गई। नहीं नहीं मुझे था, मैंने कहा इतना मुझे नजर नहीं आया तो इतनी जल्दी ईमान पहुंच सकती है, ला हैदर नहीं भाग सकता इतना। जी मनी कहता मनी नजर आ गया इसको, हर जगह पे इसको मनी नजर आ जाता है। Few minutes later. क्या है? बस जी हमने बहुत पार्क में सैर कर रही है, रश ही बहुत था ऊपर ना। ये अब्बा जी हमारे यहाँ पे मौजें कर रहे हैं, संडे इंजॉय कर रहे हैं ना, जो हैदर करने नहीं देता। अब आते हुए मैं भी चेयर ले आऊँ। अच्छा रात को मैं वॉक कर रही होती हूँ यहाँ पे और ये बाप बेटा ना क्रिकेट खेल रहे होते हैं, है ना हैदर? भाई अभी बच्चों के लिए बन रहा है दूध, और इसमें मैंने डाला है माइलो। ये डिब्बा तो कोई और है लेकिन मैंने माइलो इसमें डाल के रखा हुआ है, क्योंकि जो ईमान की ट्यूशन वाली आपी है ना, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया है कि ईमान को आपने चाय नहीं देनी, इसको माइलो वगैरह डाल के दिया करें, दूध में दूध पिया करें, तो चाय जो है ना वो सही नहीं होती। मुझे भी है कि मैं बच्चों को ना, बाकी ये हमारे बच्चे ना हमारे घर में कभी कभी चार टाइम कभी कभी पाँच टाइम चाय बन जाती थी ना, तो अब मैंने भी वैसे कम किया। वैसे तो आप देख सकते हैं मेरी चाय का कप भरा पड़ा है, तो लेकिन सुबह पी थी तो अब पी रही हूँ, और चाय के साथ पानी में शुक्र है अब ज़्यादा पीने लगी हूँ। पहले मैं कम पीती थी लेकिन अब पानी में ज़्यादा पीती हूँ। और बस रात का टाइम है, बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया, तो अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा चैनल ग्रो करने में मेरी हेल्प करें प्लीज़। मेरी वीडियो को पसंद किया करें, लाइक किया करें।